अरे नीट घोटाले की जांच कराओ। नीट एग्जाम को लेकर एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सवालों के घेरे में है। हालांकि ग्रेस मार्क्स रद्द करके 1563 स्टूडेंट के री एग्जाम लेने का एनटीए ने फैसला किया है। नीट रिजल्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एनटीए ने इसकी जानकारी दी, लेकिन एनटीए का ये फैसला स्टूडेंट्स को रास नहीं आ रहा। जो अरेस्ट हुए हैं तो इसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, सीबीआई को आना चाहिए था। क्यों नहीं आई सीबीआई? क्यों ऐसा हो रहा है कि उनको हटा दिया है? ये तो जानबूझ के किया गया है जिससे कि ये जो इन्होंने स्कैम किया है वो पकड़ा ना जाए। दिल्ली से लेकर लखनऊ समेत देश के अलग अलग हिस्सों में नीट एग्जाम में शामिल हुए छात्र एनटीए पर मनमाने तरीके से सभी फैसले लेने का आरोप लगा रहे हैं। वो उसके मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। उनके मुताबिक सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स के री एग्जाम से कट ऑफ में ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए सभी के लिए परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। 15,063 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया, मैं तो ये कहती हूँ। और मैम 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क नहीं दिए गए, मैम सबका रीनीट होना चाहिए, केवल उन बच्चों का ही रीनीट नहीं होना चाहिए। तो मान रहे थे कि ऐसा कुछ धांधली नहीं हुई, ग्रेस मार्क में कोई दिक्कत नहीं हुई, जो भी हुआ फेयर हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स जो दिए थे वो गलत थे। एनटीए के मुताबिक 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, इसलिए उन्हें दो ऑप्शन दिए गए हैं। वो 23 जून को री एग्जाम दे सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स वाले पुराने स्कोर के साथ काउंसलिंग के लिए बढ़ सकते हैं। बता दें कि नीट की परीक्षा में 67 बच्चों को 720 में से 720 नंबर मिले थे, तो कई स्टूडेंट्स को इसके आसपास नंबर मिले। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली अंजलि यादव भी उन स्टूडेंट्स में शामिल हैं जिन्हें 720 नंबर आए, जबकि झज्जर के ही यश कटारिया को 717 अंक मिले। ये सब ग्रेस मार्क्स की वजह से हुआ। मैं संतुष्ट हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी ये चाह रही थी कि मैं ग्रेस मार्क्स के बेसिस पे नहीं अपने दम पर जाऊं कहीं, तो मैं यही चाहती थी कि रीनीट हो जाए, पर अब हो रहा है तो ठीक है। हालांकि ग्रेस मार्क्स पाने वाले कुछ स्टूडेंट्स री एग्जाम के समर्थन में हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि वो करे तो क्या करे। वहीं जो स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई, वो सिर्फ ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट की परीक्षा के पक्ष में नहीं है। को जिनको ग्रेस मार्किंग दिया गया सिर्फ उन्हीं को नीट में अपीयर करने दिया जाएगा, री अपीयर करने दिया जाएगा, वो उन 25 लाख बच्चों के लिए एक तरह से और बड़ा नाइंसाफी है जिन्होंने बहुत अच्छा अपने नीट एग्जाम को दिया था। नीट के रिजल्ट में धांधली को लेकर सवाल खड़े होने पर पहले तो एनटीए इससे इनकार करता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसने री एग्जाम की बात कर कहीं न कहीं उसे कबूल कर लिया है। इस बार जब परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4,500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गई। जब परीक्षा चल पड़ी कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है। 6 जुलाई से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होनी है, जबकि नीट पेपर लीक के मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। हालांकि एनटीए धांधली की बात से इनकार कर रहा है। ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का री एग्जाम लेने के फैसले से एनटीए ने भले ही इस विवाद को शांत करने की कोशिश की है, लेकिन स्टूडेंट्स को एनटीए की मंशा पाक साफ नजर नहीं आ रही। उन्हें लगता है कि इस मामले में अभी सच का सामने आना बाकी है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।